दोस्तों, अगर आप एक न्यू यूट्यूब क्रिएटर से, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। जैसे कि दोस्तों, आप यूट्यूब पर काफ़ी सारे वीडियो देखते होंगे कि आज की डेट में एक यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो किया जाता है, लेकिन दोस्तों उसके बावजूद आज जो वीडियो पर क्लिक किया है, आप बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। जी हाँ दोस्तों देखिए, YouTube पर काफ़ी सारी फेक वीडियो होते हैं और फेक वीडियो पर उम्मीद लगाते हुए आपके चैनल पर आप काम करते हो, और इसलिए दोस्तों वीडियो अपलोड करने के बाद 5 से 6 व्यूज़ आते हैं, और उसके बाद दोस्तों आपके जो वीडियो हैं, वीडियो व्यूज़ जो है डाउन हो जाते हैं। ऐसे में दोस्तों आप काफ़ी कोशिश कर लिया है, उसके बावजूद दोस्तों आपके जो वीडियो है, वीडियो पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। इसलिए दोस्तों ये 5 पॉइंट आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, और अगर ये 5 पॉइंट के ऊपर आप उम्मीद रखते हुए आपके चैनल पर आप काम करते हो, तो आप 100% एक यूट्यूबर बन सकते हो। सो दोस्तों चलिए बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक कर देना है। तो चलिए आज के इस वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों ये 5 पॉइंट में से फर्स्ट जो पॉइंट है, यह सबसे पहले आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों YouTube वीडियो की जो थंबनेल होता है, ये आपको 4K HD थंबनेल बनाना है, और उसके बाद दोस्तों वीडियो पर अपलोड करना है। जैसे कि दोस्तों देखिए, वीडियो की जो थंबनेल होता है, ये थंबनेल सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट होता है। ये थंबनेल की वजह से आपके वीडियो पर आप ऑडियंस ला सकते हो। दोस्तों मैं उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि दोस्तों अगर आपने जैसे तैसे एक थंबनेल बना दिया है, और उसके बाद दोस्तों आपके वीडियो पर आपने सेट किया है, तो उसके बाद दोस्तों आपके जो वीडियो है, वीडियो पर ऑडियंस क्लिक भी नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों थंबनेल जो होता है, ये देखिए यूट्यूब की एक फास्ट कदम होता है, और थंबनेल की वजह से आपके वीडियो पर आप व्यूज ला सकते हो, और थंबनेल की वजह से आपकी जो वीडियो है, वीडियो पर व्यूज डाउन भी हो सकता है। इसीलिए दोस्तों आपको करना क्या है कि एक 4K HD थंबनेल बनवाना है। थंबनेल पर जो लिखते हो वो अच्छे से लिखना होता है। जैसे कि दोस्तों जिस बंदे की नज़र में आपकी थंबनेल आता है ना, वो बिना क्लिक किए हुए नहीं जा सकता है। ऐसा है दोस्तों एक थंबनेल बनाना है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपकी जो वीडियो है, वीडियो पर बारिश की तरह व्यूज आने लगता है। सो दोस्तों चलिए सेकंड पॉइंट पर आते हैं, जैसे कि नेवर शेयर योर वीडियोस। यानी कि दोस्तों हम लोग ये गलती करते हैं कि वीडियो अपलोड करने के बाद वीडियो को शेयर करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करते हैं, फेसबुक पर शेयर करते हैं, इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं, और इसी तरह दोस्तों बाकी जितना प्लेटफॉर्म है, सारे प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं। दोस्तों देखिए, शेयर करने से क्या होता है कि आपकी नुकसान होता है। दोस्तों वीडियो की जो ऑडियंस रिटेंशन है, ये ज़्यादातर डाउन होते हैं, और वीडियो की ऑडियंस रिटेंशन डाउन होने के बाद वीडियो की जो इम्प्रेशंस है, यूट्यूब ने नहीं बेचता है, और इसलिए दोस्तों आपकी जो वीडियो है डाउन हो जाते हैं। दोस्तों देखिए, मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ। जैसे कि दोस्तों आपने एक यूट्यूब रिलेटेड वीडियो बनाया है, और आपकी जो फ्रेंड है, फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर किया है। मान लीजिए दोस्तों आपकी जो फ्रेंड है, फ्रेंड को यूट्यूब के बारे में 0 नॉलेज है, और आपने यूट्यूब रिलेटेड एक वीडियो सेंड किया है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो फ्रेंड है, फ्रेंड ने आपकी वीडियो देखता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल नहीं देखता है। इसलिए दोस्तों YouTube वीडियो शेयर करना गलत नहीं है, लेकिन दोस्तों एक न्यू क्रिएटर काम करना बहुत ही गलत होता है। इसलिए दोस्तों आपको करना क्या है कि वीडियो अपलोड करने के बाद दोस्तों YouTube पर उम्मीद रखते हुए वीडियो को शेयर नहीं करना है। सो दोस्तों आप चलिए थर्ड पॉइंट पर आते हैं, डोंट साप पर साप। जैसे कि दोस्तों हम लोग ये गलती करते हैं कि किसी फ्रेंड को, यानी कि आपके फ्रेंड को आप जबरदस्त सब्सक्राइब करवाते हैं, तो दोस्तों ये काम आप बिल्कुल नहीं करना है। दोस्तों ये सेम एग्जांपल है, जैसे कि दोस्तों आपके जो फ्रेंड है, फ्रेंड ऐसा हो सकता है कि ऑनलाइन के बारे में 0 नॉलेज है, और आपने सब्सक्राइब करवाया है। दोस्तों मैं और एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ। जैसे कि दोस्तों आपके जो चैनल पर मान लीजिए 200 सब्सक्राइबर्स है, और 200 सब्सक्राइबर्स में से आपने 150 सब्सक्राइबर्स आपने जबरदस्त करवाया है, तो दोस्तों आपके जो वीडियो है, वीडियो अपलोड करने के बाद यूट्यूब ने 200 सब्सक्राइबर्स को इंप्रेशंस भेजता है, यानी कि नोटिफिकेशन भेजता है। सो दोस्तों अगर आपने जबरदस्त सब्सक्राइब करवाया है, तो ये लोग तो वीडियो नहीं देखते हैं, और इसलिए दोस्तों आपके जो वीडियो हैं डाउन हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों आपको जबरदस्त सब्सक्राइब नहीं करवाना है, क्योंकि दोस्तों जबरदस्त सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि दोस्तों आपकी खातिर आपके जो फ्रेंड है, आपके लिए एक बार क्लिक करते हैं, लेकिन दोस्तों क्लिक करने के बाद वीडियो जो है फुल वॉच नहीं करते हैं, और जब फुल वीडियो वॉच नहीं करते हैं, तो वीडियो के जो ऑडियंस
ऑडियंस रिटेंशन होता है ये डाउन हो जाते हैं, और ऑडियंस रिटेंशन डाउन होने के बाद यूट्यूब ने और नया ऑडियंस के सामने ये वीडियो इम्प्रेशन नहीं भेजता है। इसलिए दोस्तों डोंट साफ पर साफ ये काम बिल्कुल नहीं करना है, ये गलत चीज होता है। दोस्तों आप बात करते हैं 4 पॉइंट में, जैसे कि दोस्तों क्रिएट बेस्ट वीडियो। दोस्तों आपने जो वीडियो शूट करते हैं, ये वीडियो शूट करने के बाद दोस्तों आपको लगता है कि ये वीडियो की जो क्वालिटी है बिल्कुल डाउन है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप चेंज कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आज की डेट में जो ऑडियंस है ये काफ़ी शानदार है, ये काफ़ी समझदार है। दोस्तों अगर आपके वीडियो की जो क्वालिटी है डाउन होते हैं तो ऑडियंस आपके वीडियो नहीं देखता है, वीडियो छोड़ के यहीं पर चले जाते हैं। इसलिए दोस्तों आपके जो वीडियो है, वीडियो की क्वालिटी HD होना चाहिए, और उसके बाद दोस्तों आप वीडियो अपलोड कीजिए। जैसे कि दोस्तों मेरी जैसे वीडियो अगर आप अपलोड करते हैं इतना क्वालिटी, तो अगर आपने वीडियो अपलोड करते हैं तो 100% आपके जो वीडियो है ये चलेगा, क्योंकि दोस्तों उससे अगर लो क्वालिटी वीडियो अपलोड करते हैं, ऑडियंस क्या चाहता है कि वीडियो की क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, वीडियो पर जो ऑडियो क्वालिटी है वो भी अच्छा होना चाहिए, और वीडियो की जो कंटेंट है वो भी अच्छा होना चाहिए। ये तीनों चीज़ आपके वीडियो पर बिल्कुल अच्छी है तो आपकी वीडियो रैंक करने में कोई नहीं रुक सकता है। इसलिए दोस्तों ये चीज़ आपको फॉलो करना है, और एक HD क्वालिटी वीडियो कैसे शूट किया जाता है इसमें आपको काफ़ी ध्यान रखना है। दोस्तों अब आते हैं 5 स्टेप पर क्रिएट वीडियोस ऑन ट्रेंडिंग टॉपिक्स, यानी कि दोस्तों ट्रेंडिंग टॉपिक पर आपको वीडियो बनाना है। दोस्तों आप एक न्यू क्रिएटर से, और दोस्तों आप पुरानी जो टॉपिक है पुरानी टॉपिक के ऊपर अगर आपने वीडियो बनाते हो तो आपके वीडियो जो है रैंक नहीं करता है। इसलिए दोस्तों आपको हर एक सेकेंड यह सोचना है कि ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो कैसे बनाया जाता है। दोस्तों मान लीजिए अगर आपने एक ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया है, और जो ट्रेंडिंग टॉपिक YouTube पर चल रहा है उसी टॉपिक के ऊपर आपने एक वीडियो बनाया है, ये आपकी जो वीडियो है ये रैंक करने में कोई नहीं रुक सकता है। इसलिए दोस्तों ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए दोस्तों आपको हर एक सेकंड सोचना होता है कि ट्रेंडिंग टॉपिक YouTube पर क्या चल रहा है, और जो YouTube पर ट्रेंडिंग टॉपिक चलते हैं उसी टॉपिक के ऊपर और आपकी जो कैटेगरी है कैटेगरी के अंदर वीडियो बनाना है, और उसके बाद दोस्तों अपलोड करना है। दोस्तों देखिए कभी कभी एक एक वीडियो ट्रेंडिंग में चलता है, यानी कि एक एक वीडियो वायरल होता है, और जब दोस्तों वीडियो वायरल होता है तो उसी टॉपिक के ऊपर और आपकी जो कैटेगरी है कैटेगरी की अंदर वीडियो अपलोड करना है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके वीडियो पर कितना व्यूज आना शुरू होता है, और दोस्तों आपके जो चैनल है चैनल ग्रो करना शुरू होता है, और दोस्तों आपके जो सब्सक्राइबर्स है वो भी इंक्रीज होना शुरू होता है, और दोस्तों आपके जो वॉच टाइम है वो भी कंप्लीट होना शुरू होता है। सो दोस्तों लास्ट में 2 बोनस ट्रिप्स आप लोगों को देने वाला हूँ, जैसे कि दोस्तों आपके जो चैनल है चैनल की जो सब्सक्राइब है ये आपको हाइड करना है, और आपके चैनल की जो लोगो है ये आपको कभी भी चेंज नहीं करना है। दोस्तों काफी लोग यूट्यूब की जो लोगो है लोगो बार बार चेंज करते हैं। दोस्तों देखिए आपने आज एक वीडियो अपलोड किया है और उस वीडियो को ज़्यादातर ऑडियंस ने देखा है, तो काफ़ी ऑडियंस को माइंड में ये होता है कि आपकी जो लोगो है लोगों से कनेक्ट होता है, आपने उसके बाद लोगों को चेंज कर दिया है, तो जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो उसके बाद दोस्तों ये ऑडियंस को मतलब डाउट फील होना शुरू होता है कि ये वही चैनल है या दूसरा चैनल है। इसलिए दोस्तों आपके जो चैनल है चैनल की जो लोगो है ये आपको बिल्कुल चेंज नहीं करना है, एक लोगो से आपके जो चैनल है हमेशा रखना है। सो दोस्तों आई होप ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद है तो लाइक करना है, चैनल में नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। सो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।